नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं मैसर्स ओम शीतग्रह प्राइवेट लिमिटेड पर। और आज की बोली का दिन है, बोली भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे, लेकिन आज हम आपको सीधे किसानों से रूबरू करा देते हैं। कई किसान हमारे बीच में यहां पर बदस्तर मौजूद हैं, हालाँकि मंडियों में गिरावट का दौर है और ऐसे में रेट जो हैं अभी भी कोल्ड स्टोरेज पर 800 850 और यहाँ तक कि बढ़िया आलू जो है 925 या 950 तक एक दो लॉट बिक रहे हैं। हालाँकि इसे मद्दा नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी अगर किसानों की लागत का हिसाब देखा जाए तो फिर मद्दा ही है अगर इस लिहाज से देखा जाए तो। मेरे साथ में कई किसान मौजूद हैं, मैं इनसे ही सीधा चर्चा कर लेता हूं, आखिर किसानों को इस आलू से कितनी उम्मीद है और आगे जाके क्या लग रहा है। यहां पर मैं आपको एक बात क्लियरली स्पष्ट कर दूं, अगर आलू के रेट बढ़े तो सिर्फ अब पंजाब ही है। अगर पंजाब का देखा जाए, आपका होशियारपुर या हिमाचल प्रदेश का देखा जाए ऊना, अगर यहाँ पर बुवाई सही समय पर हो गई तो फिर रेट बढ़ने के कोई चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। अगर बुवाई जो है लेट हुई तो आपके दाम जो हैं काफ़ी अच्छे आपको मिल जाएंगे। तो मेरे साथ में चाचा जी मौजूद हैं, मैं चाचा जी से पूछ लेता हूँ कि इस वर्ष क्या रहा है और कई लोगों ने किसानों को भ्रमित करने का काम किया है। भ्रमित करने का काम तो कई मीडिया हैं, और जब स्टोरों में आलू इतना था कि इसका कोई जवाब नहीं है, फुल हो गए। जब भी लोग कहते थे कि स्टोर खाली रहेंगे, और रही भाव की बात तो जो सम है उसके हिसाब से चलो ठीक है, लागत किसान की निकल रही है, नहीं तो किसान को ज़्यादा फायदा हुआ है और ना ही नुकसान है इस समय पे। और किसान को अब जैसे रेट गिरा है और किसान को लागत की पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो अब इस समय पर रेट जो बना रहता तो किसान ठीक है। अब किसान हड़बड़ाहट में कि कौन से समय पर रेट आम है, और जब हम अपनी फसल को बेचें और अपने खाद बीज का और डीजल का उसका इंतजाम करें जब फसल तैयार होगा आगे वाली। यानी कि किसान साथियों, कहने का मतलब इनका यह है कि आने वाला जो सितंबर का महीना है, ये कि एक ही महीना बचा है, क्योंकि 15-20 अक्टूबर से आलू की कढ़ाई होगी। ऐसे में आप लोगों को खाद बीज का पूरा इंतजाम करना है, ऐसे में पैसों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि रेट का मैं आपको बता दूँ, रेट भी सही है, लेकिन किसानों को इन रेटों से संतुष्टि क्यों नहीं हो रही है, मैं पूछता हूँ। संतुष्टि स्टोरों पर नहीं बिक पा रहा है, एक आध सौदा हो जाए तो उससे कोई मतलब थोड़ी है। जो सम आलू है 600 रुपये 700 रुपये का बिक रहा है ज़्यादा संख्या में, अब एक सैंपल 800 रुपये की बिक गई तो उससे का किसानों का भला थोड़ी होगा। नहीं चाचा जी, मेरा ये है कि जैसे कि अभी आप में से कई सैकड़ों किसान एक वो कर देते हैं, यानी कि आगरा में 900 बिक रहा है या 950 बिक रहा है, और सादाबाद में ये बिक रहा है या आसपास में ये बिक रहा है, हमारे कोल्ड पे नहीं बिक रहा है, या ऐसा क्यों लगता है कि जब भी आपने एक बात कही है कि समान रूप से वही 700-800 चल रहा है सभी के कोल्डों में, लेकिन एक दो सौदे हो जाते हैं उसका हल्ला मचा दिया जाता है, फिर ये क्यों? यही गलत काम है ये। अब या मीडिया वाले हों, स्टोर वाले हों, किसकी चाल है ये, और किसान को तो भ्रमित कर देते हैं ये व्यापारी लोग। आपको तो इस वर्ष शुरुआत से ही भ्रम में डाला गया था कि पैदावार कम निकल रही है, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे। जब हम कोल्डों पे लाइन दिखाते थे तो कई यूट्यूबर जो हैं हाथ धो के पीछे पड़े हुए थे कि ये फर्जी है, लाइन नहीं लग रही, कोल्ड नहीं भरे जाएंगे, लेकिन क्या स्थिति हुई चाचा जी? इसमें सत्यता है बिल्कुल, स्टोरों पर लाइन भी लगी और कोई स्टोर खाली नहीं रहा है, और आलू की पैदावार ठीक निकली है, और ठीक निकलने के बाद आलू का बिकना जरूरी है। यानी कि अगर आप माने तो इस समय पर आलू के सही दाम नहीं चल रहे? सही दाम नहीं है, लागत नहीं निकल पा रही है। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, 750 या 800 रुपये में लागत नहीं निकल पा रही है। स्टोरों का भाड़ा इतना, और उसके बाद किसानों पर इतना पैसा तो होता नहीं है, लोन लेते ही उनकी ब्याज भी देनी है। यानी कुल मिला के लोन का अगर उसका रेशियो देखा जाए तो 750-800 रुपये तो कोल्ड का ही हो गया। कोल्ड का ही हो गया, कुछ नहीं है किसान के। किसान को ऐसा नहीं है कि प्राप्त हो जाए कि वो अपने बच्चों की शादी विवाह या अपने खर्चे कोई मकान दुकान बनाए, उसको कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, लाभ नहीं है इतना कोई। तो मैंने एक बात देखा है कि 950 रुपये में भी किसी कोल्ड स्टोरेज में यहाँ सादाबाद के में लगाए 1,005 रुपये प्रति पैकेट भी लगाए, लेकिन किसान ने वो सौदा रिजेक्ट करवाया है, बोला 1200 और 1500 बिकेगा। ऐसे किसानों के बारे में क्या कहना चाहिए? ये बहुत बेवकूफ़ किसान हैं, और इनके बारे में ज़्यादा तो कहना क्या चाहिए, जो अफवाहें, अफवाहों से काम नहीं चलता है। काम तो जो रेट सम बिके उसका रेट धरना चाहिए। अब एक स्टोर पर बिक गया 900 रुपये, या एक सैंपल ले लिया, एक स्टोर वाले करें, व्यापारी लोग करें,
तो इससे कोई लाभ थोड़ी है। जो रेट तो वो है कि जब 700 का बिक रहा है, 50 सैंपल भी खुली और 50 सैंपलों में 40 सैंपलों का सौदा हुआ और वो 700 रुपये के रेट में बिकी हैं, तो वो रेट तो 700 ही का है। अब एक सैंपल को 900 रुपये में ले लें, उसे अफवाह बना दें, गवर्नमेंट को उल्टा सूदा चकमा दें, उससे कोई लाभ थोड़ी है। गवर्नमेंट अब कहने का मतलब यही है कि ये जो यूट्यूबर कर रहे हैं या किसान वो कर रहे हैं या व्यापारी कर रहे हैं, तो यानी कुल मिला के कि आप लोगों को सही दाम नहीं लेने दे रहे हैं। नहीं, सही नहीं ले रहे, भ्रमित कर देते हैं किसान को। तो किसान भ्रमित हुआ नहीं, थोड़ा बहुत रेट भी आए तो उसमें बेच नहीं पाता है। जब इस अफवाह को सुन के कई स्टोरों पर गए हमने, हमारे सामने ये आज तक एक भी सौदा 900 रुपये का नहीं हुआ है। व्यापारी उस चकमा दे रहे हैं किसान को, और उसको 5 किलो तो लेते ही, वो तो इन्होंने स्टोर वालों ने और व्यापारी लोगों ने, इनका तो षड्यंत्र है। ये तो इनकी पॉलिसी है, तो ये कमीशन खोरी का खेल खेलते हैं। चाचा जी, आप क्या मानते हैं, जो 850 या 900 रुपये का कहीं सौदा हो रहा है, क्या इसमें ये रेट जो हैं सही हैं किसान के लिए या अथवा नहीं है? ये बिल्कुल सही ना आता ही, किसान जिनते रेट अनते तो कबू ना संतुष्ट है सकत। कितना की उम्मीद है आप लोगों को? 1000-1200 रुपया तक तो बिके, तब कछु 50-100 रुपया कट्टा के दाम मिलेंगी, लाख बराबर होगी। अभी इस समय पर कोल्ड स्टोर में क्या रेट चल रहा है? अब जा खान 600-700, 600-700, इससे ऊपर नहीं है। इससे ऊपर नहीं है। आप लोग ही कहते थे सोनू तो झूठ बोल रहा है, माँ तो आगरा में 980 तक सौदा है रहे हैं, 1005 तक है रहे हैं। 500 कट्टा को सौदा हो तो है, ये तो हम बता देते कि 150 सैंपल में 2 सैंपल के सौदे करवा देते हैं और बाकी सब वही बिकता है। लेकिन आप लोग, आप लोगों को नहीं मालूम वो दिखता था, आप लोग तो बस ये कहते थे फलाने ढिकाने कोल्ड में। 100 कट्टा को 50 कट्टा को सौदा हो तो है 900 को और 850 को, जब 1000-1500 को थोको हों तो कहे तो कहे 700-600 कोई बढ़ती नहीं बोलते। मतलब कम जो लॉट होते हैं उसी को लगा देते हैं, कट्टा के लॉट है लगामते हैं रेट। तो आगे आपको क्या लग रहा है, कितना चाहते हैं आप? अगर यही चकमा दे रहे हैं कि बढ़ सकत वो रेट, बढ़ सकता है, लेकिन ये अब पंजाब के गर्त में है। पंजाब के अगर आलू की फसल लगती है समय पर तो फिर रेट बढ़ने वाले नहीं हैं, और अगर लेट होती है तो बढ़ जाएंगे। जी, कई यूट्यूबर एक रिपोर्ट डाल रहे हैं, महीना नहीं होता है उससे पहले रिपोर्ट बना के डाल देते हैं, इतनी निकासी हो गई। वास्तविक स्थिति निकासी की क्या है उत्तर प्रदेश की? वास्तविक निकासी की स्थिति ये है कि 27-28% निकासी हो पाई है इस समय तक। नहीं, कुछ तो 40 तक का दावा कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 40% आलू निकल गया। वो लोग करें 80% का, इससे हम कोई लेना देना नहीं है। ये तो यूँ कह रहे हैं कि 900 और 1000 आलू काम है, कोल्ड स्टोरेज से भाव दिखाना हम निरंतर दिखा रहे हैं, और खेत से लेकर खेत में जब खुदाई हो रही थी हमने दिखाया था कि बम्पर पैदावार निकल रही है, और अभी वो उस पर भी दिखाया था कि लाइन लग रही है। लेकिन जो बहरुपिया है, जो कुछ यूट्यूबर है ना, वो किसानों के लिए इतना बड़ा एक हीरो बन के हो रहा कि ये, मतलब उसने ये कह दिया कि ये फर्जी लाइनें दिखा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, लेकिन हकीकत क्या थी? पैदावार भी ज़्यादा निकली, कोल्ड स्टोरेज पे भी लाइन भी दिखाई हमने, और फिर ये भी कह बता दिया कि कोल्ड स्टोरेज भरेंगे। इसने कहा था कि कोल्ड स्टोरेज नहीं भरे जा रहे, अब क्या हुआ? और इसने अभी बताई थी, कल परसों एक और वीडियो डाली थी, इसमें दावा किया था कि हसन पूरी तरीके से बर्बाद हो गई, हसन बर्बाद हो गई। तो ये आलू दक्षिण में इतने तहलका क्यों मचाए हुए है, क्या कारण है? न हसन कोई बर्बाद भाई, 15 दिन का भी दावा किया था ना इसने कि केवल 15 दिन चलती है। 15 दिन ना, एक महीना हसन चली है, और अगर हसन तो चल रही है ना, हसन चल रही है भाई, और हसन अगर हल्की होती तो यहाँ आलू बिकतो, और हसन बिल्कुल हल्की ना है भाई, आलू यहाँ बिका नहीं है। कुल मिला के किसान साथियों, सिर्फ इस यूट्यूबर ने इस साल आप लोगों को आलू के सही रेट नहीं लेने दिए, दिव्य और ऐसे ऐसे सपने दिखाए हमारे प्रति, आप लोगों को भड़काए रखा और अपने व्यूअर सब्सक्राइबर बढ़ाए रखे, सच्चाई से आपको 2 कोसों दूर रखा। आज भी वीडियो के माध्यम से ये दिखाया कि हसन बर्बाद हो गई, लेकिन हकीकत क्या है ये आपसे छुपी हुई नहीं है। और कई आप लोगों में से भी ऐसे लोग थे जो चटुकार थे, हसन तो 15-20 चलती है, अब घुसेड़ लो, कहाँ घुसेड़ोगे, जगह हो तो घुसेड़ लीजिएगा, ना हो तो मुझ पर कह दीजिएगा, मैं घुसेड़ दूंगा। अभी हसन 10-15 दिन और चलेगी, हल्की ज़रूर है लेकिन क्षेत्रफल और ज़्यादा बड़ा है।
अच्छा, 3 लाख पैकेट लगे थे। हमने आपको गारंटी के तौर पे बताया था कि 9 लाख पैकेट हसन में लगे हैं, कोई कम हसन में आलू नहीं लगा, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। कोई बात नहीं, धीरे धीरे इकट्ठा आता जा रहा है, सारी सच्चाई सामने आती जा रही है। 15-20 दिन आलू चलता है, 21 तारीख से खुदाई शुरू हुई थी। 21 तारीख का हमारा वीडियो उठा के देख लीजिएगा, जिसमें हमने कहा था कि 21 तारीख से देखिए आलू की खुदाई शुरू हो गई और बेंगलोर की मंडी में आ गया, और ये लगातार 1-1.5 महीना चलेगा। और अब सामने है आपकी स्थिति, आज 23 अगस्त 2022 है। पूछ लेता हूँ भैया से, भैया क्या कहना चाहेंगे? हसन का तो ऐसा है कि अभी हसन तो कम से कम 10 से 12 दिन तो प्रॉपरली चलेगी, अभी चलेगी चलेगी वो तो नहीं, 15-20 दिन का तो दावा किया गया था। ये तो कुछ चैनल वाले खावा खाऊ के अफवाह फैलाते हैं, और इन सवालों का तो चैनल चलना ही नहीं चाहिए। ये जाने पब्लिक कैसी है उन चैनलों को, मतलब जो सब्सक्राइब करके उसे देखती है, देखने लायक ही चैनल नहीं है। काफ़ी लोग हैं ऐसे जो चैनल चलाने योग्य नहीं है, वो कुछ ना तो कुछ जानकारी है ना वो किसान के बारे में कुछ महत्व समझते हैं कि किसान क्या चीज़ है। किसान का पैसा, किसान की मेहनत बहुत ही कीमती होती है, वो लोग इसे नहीं पहचान पाते हैं। किसान देखिए, आलू हमेशा क्वालिटी के आधार पर बिकता है, और ये बात लगातार हमारे द्वारा बताई जाती रही है कि क्वालिटी बिक रही है। कोल्ड स्टोरेज पे 150 सैंपल खुले, 1 से 2 सैंपल के आपने भी देखे, उस दिन आपने भी देखे थे कि 930 का भी सौदा हुआ, 850 का भी हुआ, 875 का भी हुआ, लेकिन ऐसा है रेट का तो कोई अनुमान नहीं लगा सकता है कि रेट चाहें तो अभी बढ़ भी सकता है। ऐसा पंजाब की फसल थोड़ी अच्छी आ गई तो रेट डाउन भी हो सकता है, और अभी पंजाब में बारिश हो रही है, बारिश वो ज़्यादा हो गई तो रेट हो सकता है कि 1200 भी बिक जाए, 1400 भी बिक जाए, 1000 भी बिक जाए, उसका कोई अनुमान पक्का नहीं है। क्या कहना चाहेंगे ऐसे जो यूट्यूबर जो किसानों को भ्रमित कर रहे हैं, और आपने अब भी देखा होगा 4-5 दिन पहले वीडियो डाली थी हसन पर, मैं इतना नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, और आज आप ही बता दीजिए आज हसन में कितने गाड़ियों की आवक हुई है? ऐसा है अभी ये बहुत गलत है, कम से कम आज भी 20 से 25 गाड़ी आज भी आई है हसन की, तो हसन कहाँ अभी डाउन हुई है, अभी तो हसन बरकरार चल रही है। नहीं, दावा तो बड़े लंबे किए थे इसने, और ये फर्जी लोग हैं, फर्जी लोग दावा कर रहे हैं, अभी इन्हें कोई जानकारी नहीं है। मैं किसान साथियों, मैं आपको एक और बात बता दूं, अभी तो इन्होंने ट्रेन चलाई है, अभी ये प्लेन भी चलाएंगे, यानी कि अभी तो इन्होंने एक फर्जी सुगुफा छोड़ दिया कि ट्रेन चल रही है, अभी तो ये पानी का जहाज भी चलाएंगे और एरोप्लेन भी चलाएंगे, और हो सकता है कि आप लोगों को ऐसे सपने दिखाते रहें कि आलू विदेश जाएगा, ये भी करेंगे देख लेना, क्योंकि अब इन्हें दिख रहा है कि किसान मेरी बातों को पकड़ रहा है। अब इस यूट्यूबर को पता पड़ती जा रही है किसान मेरी बातों को झूठ को पकड़ता जा रहा है और मुझसे गाली गलौज कर रहा है। आप वीडियो भी देख लेना कि हर वीडियो में ये कह रहा है किसान मुझसे ये कह रहे हैं, तो इसे शर्म आनी चाहिए कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी ये झूठ बोल रहा है। ऐसा है, जो ट्रेनों की बात कर रहे हो आप, जो है ट्रेन तो पिछले वर्ष भी चलाई थी, तो पिछले वर्ष क्या हुआ, आलू भाड़े भाड़े में नहीं बिका है, आलू जो है किसानों को कोल्ड मालिकों की तरफ से छोड़ के जाना पड़ा है। तो पिछली वाली ट्रेन चली थी, पिछली साल कुछ हुआ ऐसा ट्रेन चलने से, कोई भी लाभ हुआ कैसा? मैं आप भैया लास्ट बात पूछना चाहता हूँ, क्या कहना चाहेंगे ऐसे यूट्यूबर का जो लगातार किसानों को इस साल बेवकूफ़ बनाते रहे और किसान बेवकूफ़ बनता रहा है? ऐसा पब्लिक को थोड़ा जागरूक होना चाहिए, मसाला चाहिए ना पब्लिक को, वो उसने मसाला दिया और खूब अच्छा मसाला दिया। ऐसा है, मसाले से ही काम नहीं चलता है, पब्लिक जागरूक होगी तो थोड़ा उस चैनल वाले के खिलाफ कुछ हो सकता है। ये गलत खबर क्यों दे रहा है, गलत खबर से किसान को काफ़ी हानि जा सकती है। नहीं, फिर भी किसान को लगा है कि 1200 रुपये प्रति पैकेट सिरसागंज में बिक गया, फरुखाबाद में बिक गया, ये बिक गया, ये तो बोलने को, वो तो पैदा भी नहीं करता है, वो घर से वीडियो डालता है, मैं ज़मीन पे आलू पैदा करता हूँ, पैदा करना जानता हूँ कैसे पैदा होता है, अभी मैं भी बोल सकता हूँ 1500। कोल्ड का मालिक भी है, ऐसी बात मत कीजिए, कोल्ड का मालिक भी है वो, कोल्ड का मालिक है, मगर ज़मीनी नहीं है वो, वो हवाई है, हवाई बातें ज़्यादा करता है, हवाई बातें करता है, ज़मीनी होता तो इस तरह की बातें नहीं करता वो। यानी कि अब क्या चाहते हैं आप, कार्रवाई करेंगे क्या? अरे कार्रवाई आज नहीं तो कल होगी, वो अभी सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, सुधर जाए तो ज़्यादा अच्छी बात है, नहीं तो किसान लोग कार्रवाई करना जानते हैं। आपने कितनी वीडियो में उसे इसकी पकड़ की है? काफ़ी वीडियो देखी है, और वीडियो ज़्यादातर वो फर्जी ही डालता है, वहाँ बैठ करके वीडियो डालता है, कहीं भी वो कहीं जाके शूट नहीं करता है, वहीं से बैठ करके कहीं किसी की वीडियो को किसी भी वेबसाइट करके और उसे डाल देता है। दिल्ली की आजतपुर मंडी की आज मैं बता दूं, 168 गाड़ी की आवक हुई थी, 68 गाड़ी बिकी हैं और 100 गाड़ी का आज बैलेंस बाकी रह गया है। अगर बेंगलोर की बात करें तो यहां पर आज जो है लगभग
25 गाड़ी का बैलेंस बकाया रह गया है। और मुंबई नागपुर पुणे की बात करें तो यहाँ पर अलग अलग स्थिति पर किसी जगह पर 70 गाड़ी का बैलेंस है, किसी के पास 80 का है, किसी पर पूरा 100 का है। हालांकि मदुरई मेट्टियापालम और चेन्नई की मंडियों में कोई बैलेंस नहीं है, लेकिन वहाँ पर मंडियों में दाम बढ़े नहीं हैं, केवल स्थिर बने हुए हैं। जोधपुर और जयपुर में दबाव इतना है कि यहाँ पर जयपुर में 135 गाड़ी आज बैलेंस बाकी रह गई हैं। आप इससे समझ सकते हैं क्या स्थिति आपके आलू की होने वाली है। हालांकि भविष्य किसी को नहीं पता है, ये सिर्फ पंजाब के गर्त में है। अगर पंजाब की फसल लेट हुई तो आपके आलू के दाम बढ़ जाएंगे, और अगर सही समय पर लग गई तो फिर आपके दाम कोई संभावना नहीं है, वो बात अलग है। कहीं बारिश या बाढ़ या प्राकृतिक आपदा आ जाए तो रेट बढ़ जाए, हालांकि फिर ऐसा कहना जल्दबाजी होगा कि आगे क्या हो सकता है। लेकिन किसानों को चाहिए कि वो अपना आलू हर रेट लेते हुए निकालते रहें, ऐसे यूट्यूबर के चक्कर में ना पड़ें जो 25 और 26 रुपये किलो का दावा करते रहे और वहाँ जाके आलू किसानों का 18 और 19 मिला और उस पर भी किसानों को समय पर पेमेंट नहीं मिला। तो ऐसे लोगों से बचते रहिए, निवेदन मेरा आपसे यही है। आपको लग रहा है आलू महंगा होगा तो 100, 200, 400 पैकेट बचा के रखिए। अगर महंगा होता है तो उसके रेट आपको अच्छी मिल जाएंगे, अगर नहीं भी मिलता है तो फिर आपको दुख भी नहीं होगा कि हमें महंगा नहीं ले पाए। नहीं, एक बात है, सीधी सीधी बात है, अभी फिलहाल में पंजाब में बारिश हो रही है और ये बारिश थमी तो 100% आलू महंगा होगा, और बारिश अभी मतलब जो है होती रही तो आलू तो महंगा होना ही होना है, मगर बारिश थम गई तो आलू गिरने से कोई भी ऐसा कोई शख्स नहीं है या ऐसा कोई भी ऐसा आलू विक्रेता नहीं है उसे रोक ले। आलू आज 600, 700, 800 बिक रहा है, वो आलू कल ही डाउन हो गया तो 500 बिकेगा और कोई लेने वाला पैदा नहीं होगा उसे। ये तो कंडीशन हो चुकी है कोल्ड स्टोरेज, ये तो हो चुकी है, तो अभी तो थोड़ी कम है, कल और ऐसे मान लो कि वहाँ पर मौसम साफ हुआ, अच्छी फसल आई, वहाँ पर पैदावार अच्छी आई और पंजाब अच्छे से उतर गया तो यहाँ का आलू बिक्री में नहीं होता है, ऐसा पिछली बार भी हुआ था। किसानों को सचेत रहना चाहिए, किसानों को अपना आलू, कुछ किसान ऐसे हैं कि कुछ भी आलू निकाला है, 80% आलू बिक्री कर देना चाहिए, 20% बिक्री वाला आलू मत रोकना चाहिए। चलिए किसान साथियों, ये थे मेरे साथ में कोल्ड स्टोरेज थे सभी किसान साथी और इनका आपने वक्तव्य जाना। कैसी लगी वीडियो ये आपको इस बारे में कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आप भी यही इच्छा लगाए हुए हैं कि आलू महंगा होगा और वो यूट्यूबर बता रहा है, वो ये बता रहा है, तो वो सिर्फ व्यूअर और सब्सक्राइबर हो रहा है, आपको उसका कोल्ड स्टोरेज के आलू से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ अपने काम से काम रख रहा है, बाकी आप लोगों को बर्बाद करने में कोई कोर कसर नहीं है। हमारी अगर आपको वीडियो गलत लग रही है तो आप हमारी वीडियो को शुरुआत से जाके देख लेना, जनवरी से हमने डाली है और हर बार यही सच्चाई दिखाई है, सच्चाई देख लीजिए उसके बाद में कंपेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।